हेलो एवरीवन, आई एम हिमानी नौटियाल। इस वीडियो में मैं आपको करियर इन वाइल्ड लाइफ की जो मैं एक नई सीरीज प्रेजेंट करने वाली हूँ उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। तो बेसिकली मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए और मेरे लिए ये बहुत टफ हो रहा था कि मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकूँ। और अब आप देखेंगे जब मैं ये लेक्चर्स आपको प्रेजेंट करूँगी कितनी सारी चीज़ें होती हैं वाइल्ड लाइफ करियर में जो ध्यान रखना जरूरी होता है और जो कि मेरे लिए ईमेल्स में बताना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इंडिविजुअल सबको, राइट। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। ओके, सो जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस तरीके की सीरीज अभी चल रही है। तो इससे एक ही बेनिफिट हो जाएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स जो मैं दूंगी उसमें आपको एक गाइडलाइंस मिलेगी कैसे शुरू करना है, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग टू मास्टर्स। ओके, और इस बीच में मैं लाइव सेशंस भी करूंगी और सबका नंबर आएगा, लेकिन पहले मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट करूंगी, सो प्लीज़ पेशेंस रखना। और मैं ये लेक्चर खासकर जो ये बेसिक लेक्चर्स हैं अप टू MSc क्लास तक के, उनको मैं हिंदी में ही रिकॉर्ड करूँगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट लें। उसके बाद मैं PhD रिलेटेड लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करूँगी जो कि ज़्यादातर इंग्लिश में होंगे और एडवांस लेक्चर्स भी इंग्लिश में होंगे, बट अप टू मास्टर्स सारे लेक्चर्स हिंदी में होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। हाँ, तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि वाइल्ड लाइफ साइंस में करियर बनाना क्यों है। इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, राइट, जैसे आप पैसा कमा सकते हैं बिजनेस में या इंजीनियरिंग में या और भी किसी चीज़ में, हम वाइल्ड लाइफ क्यों करना चाहते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ में ऑफकोर्स आपको आप पैसा कमाएंगे, इसको जॉब की तरह करेंगे, लेकिन हर एक जॉब की तरह इसमें एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है। सबसे पहली चीज़ है उसके अंदर कि हमारे अंदर एक एक पैशन है कि हमें कुछ करना है सोसाइटी के लिए, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए, राइट। और वो पैशन सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक कमिटमेंट भी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो और जॉब में क्या होता है कि हम लोग जॉब करते हैं बिकॉज वी नीड मनी, इवन दो वी आर नॉट हैप्पी हम लोग वो काम करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आप हैप्पी नहीं हैं, आप सच में फील नहीं करते जो आप कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ओके, सो क्या होना चाहिए, पहले तो जो आपके आपको पहले खुद से ही ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक डायरेक्शन क्या होना चाहिए करियर बनाने के लिए, दूसरा मेरे अंदर उतना पैशन है कि नहीं है, और तीसरा मेरे अंदर वो कमिटमेंट है कि नहीं है, राइट। जब ये तीनों चीजें होंगी ना, तभी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस। तो इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। मुझे कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कितना पैसा मिलेगा वाइल्ड लाइफ में, ये वो, सो पैसे से मत स्टार्ट करो। पैसा आएगा, आप अच्छे से पैसा कमाओगे, अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे, लेकिन अगर आप वही सोच के अगर करियर बनाना चाह रहे हो वाइल्ड लाइफ में, तो मत आओ। ये मैं आपको ऑनेस्टली अभी ही बोल रही हूँ। और मेरा जो मोटिवेशन भी है लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का, दो आई एम रियली बिजी, ये यही है कि आप जैसे लोग अगर तैयार होंगे, कमिटमेंट देंगे लॉन्ग टाइम का, राइट, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, नेचर को सेव कर सकते हैं, एनिमल्स को सेव कर सकते हैं, इवन अपनी पूरी सोसाइटी को सेव कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, एक राइट डायरेक्शन हो, हम उसके लिए पैशनेट हों, और हमारा कमिटमेंट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, तभी जाके क्या मिलेगी, सक्सेस। ओके, और जो मैं लेक्चर्स आपको दूंगी, काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें क्या मिलेगी आपको, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस मिलेंगी कि डायरेक्शंस के आप शायद लॉस्ट भी होंगे, कैसे वो डायरेक्शन लेनी चाहिए, तो मैं उसके लिए गाइडलाइंस दूंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर पैशन, कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता कि वट इज़ रियली अ पैशन, यू नो, हमारे पैशन है क्या, हम सच में ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग सोचते हो कि हाँ, मुझे मुझे लगता है कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इस लाइक यू नो सेल्फ
अंदर से एक आपको आवाज़ आती है कि वो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, ये सब करना मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है देन यू नो आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो ये सब चीज़ें भी मैं काफ़ी डिटेल में क्लियर करूँगी और लेक्चर्स में। और दूसरा कि अब मैं यहाँ पे पेशेंस की बात कर रही हूँ तो कितना लंबा पेशेंस चाहिए इसमें, राइट? तो ये भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैं क्लियर करूंगी। पर अगेन हर एक इनके हर एक चीज़ें क्या हैं जो एक एक स्लाइड में बता रही हूँ, एक्चुअली वो काफ़ी लंबे लेक्चर्स हैं, तो आप लोग को बिल्कुल धीरे धीरे ये चीज़ें सुननी है। इसलिए मैं कोई फैंसी वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, इसमें मेन है कि आप मेरे लेक्चर्स को सुने और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाद हम उनको धीरे धीरे करके डील करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप देखना सब चीजें कवर हो जाएंगी इस पूरे सीरीज में, करियर इन वाइल्ड लाइफ में। ओके, तो लेक्चर्स किस तरीके के रहेंगे? तो अप टू क्लास 12th तक वालों के लिए लेक्चर्स रहेंगे। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है जब मुझे स्कूल के बच्चे ईमेल करते हैं, और दैट्स रियली अमेजिंग कि उनको अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी कि उनको करियर वाइल्ड लाइफ में बनाना है। वो मुझे काफ़ी अच्छा एक चेंज लगा, पर आई एम श्योर कि काफ़ी बच्चों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। तो स्कूल के बच्चों के लिए भी मैं सबसे पहले उनके लिए ही मैं लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि मैं कवर करूँगी क्या सब्जेक्ट होने चाहिए लॉन्ग टर्म को लेके, क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो लोग कर सकते हैं एवरी डे और वीकेंड पे और द समर वैकेशन और विंटर वैकेशन के टाइम, कौन कौन सी बुक्स हैं जो उनको स्टार्ट करने में हेल्प कर सकती हैं, कौन कौन सी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ वो छुट्टियों में कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन लेक्चर्स में मैं कवर करूँगी। आने वाले और लेक्चर्स में जिसमें 12th के बाद से अंडर ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, राइट? तो उसमें भी कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे होंगे उनके बारे में बताऊंगी, इंडिया में या फिर अगर आपको इंडिया से बाहर पढ़ना है कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये बेसिकली मैं काफ़ी शॉर्ट में ये सब चीज़ें बताऊंगी, मतलब उतना मैं हर एक चीज़ पे डिटेल में नहीं बता सकती, पर मैं आपको एक गाइडलाइंस दे दूंगी, फिर उसके बाद आपको खुद मेहनत करके ढूंढना है और उसको अचीव करना है। ओके, और इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, वॉलंटियरशिप कैसे कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, और रीडिंग हैबिट्स कैसे डेवलप करें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या हमें हेल्प करेगा, कैसे वो डेवलप करनी वो सब चीज़ें, और क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ लाइक अ, तुम अगर वाइल्ड लाइफ साइंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें आपको क्या करना है, इट्स अ साइंस, राइट? तो एक रिसर्च फील्ड हो जाता है ये, तो जैसे कि मैं हूँ वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट, राइट? तो ये सब चीज़ों के लिए आप एकदम से नहीं बनते हो, आपको BSc लेवल से ही वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। तो कोर्स वर्क रहेगा, उसके साथ साथ में आपको मैं और थोड़ा हेल्प करूंगी, गाइड करूंगी कि कैसे कैसे आप अपना जो रिसर्च थिंकिंग है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड ऑल्सो राइटिंग, राइटिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ये इन लेक्चर्स में मैं कवर करूंगी। और उसके बाद मास्टर्स तक के जो लेक्चर्स होंगे उसमें भी सेम चीज कि कौन कौन से कॉलेजेस इंडिया में है, कौन कौन से बाहर हैं, कैसे आप स्कॉलरशिप अप्लाई करो, कैसे आप वॉलंटियर इंटर्नशिप करो, इसके लिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि मास्टर्स लेवल है, सेम साइंटिफिक रीडिंग राइटिंग होगा, पर थोड़ा सा एडवांस रहेगा BSc लेवल से, क्रिटिकल थिंकिंग भी। और यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में, खासकर जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, उसमें ये होता है कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है ना 6 मंथ, उसमें आपको खुद का प्रोजेक्ट करना होता है। और ये चीज़ याद रखिए कि खुद का प्रोजेक्ट अगर आप 6 मंथ में, मतलब समझ लो आप सेकंड सेमेस्टर में सोच रहे हो या थर्ड सेमेस्टर में सोच रहे हो कि अब जाके हम कुछ सोचेंगे करेंगे, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि BSc लेवल से अगर हम उसको डेवलप करेंगे, MSc आते आते आपके पास वो आइडिया होना चाहिए कि MSc के प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, समझ रहे? तो यही चीज़ें हैं कि करियर अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर आप एकदम से जंप करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सब चीज़ें काफ़ी इजी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ का टाइम है और वो पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना ही होता है। तो इसमें मैं आपको हेल्प करूंगी कि कैसे आप अपने वो प्रोजेक्ट्स आप डिज़ाइन कर कैसे करेंगे। और भी मेरे लेक्चर्स होंगे जिसमें कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे जिसमें कि मैं आप लोग को हेल्प करूंगी कि कैसे इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रांट
आप लोग लिख सकते हो कहाँ वो एप्लीकेशन सबमिट करने होते हैं, कैसे वो फंड्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप खुद का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको क्रॉस मनी सपोर्ट भी चाहिए, तो वो आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, पर उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स हैं, टेक्निकल चीज़ें आनी चाहिए जो मैं आप लोग को हेल्प करूँगी। स्कॉलरशिप जब आप अब्रॉड में अप्लाई करते हो तो उसकी क्या टिप्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी चाहिए वो मैं आप लोग को बताऊँगी, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आफ्टर MSc उसके लिए टिप्स, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ओके। इंटरव्यू जब होता है उसके लिए क्या करना है, इधर इसे स्कॉलरशिप इंटरव्यू और जॉब इंटरव्यू, और रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, आप लोग को आफ्टर MSc तो उसमें एक पकड़ होनी चाहिए, इवन ज्यूरिंग MSc उसमें पकड़ होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, और फिर बीच बीच में आपको लाइव यूट्यूब क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होंगे, तो जो लोग जितना इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। और एक चीज़ है कि आई एम नॉट श्योर कि मैं इतने लेक्चर्स कब आपको रिकॉर्ड करके भेजूंगी, क्योंकि मेरा भी जब मैं फील्ड में होती हूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और वहाँ पे उतना इंटरनेट भी नहीं रहता मेरे पास, एंड पर मैं कोशिश करूँगी कुछ कुछ मैं बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिले मैं ये रिकॉर्ड करके अपलोड करती रहूँ, और कभी जब टाइम मिले तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग करते रहें, और या जस्ट जस्ट फॉर नाउ ये मैं आप लोग को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, और आने वाले टाइम में जो मैंने आपको इन सब स्लाइड्स में बताया है कि कैसे कैसे मेरे लेक्चर्स होने वाले हैं तो इनको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी, तो यस प्लीज ज्वाइन करना, और सोशल मीडिया पे हो सके तो ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ तो वहाँ मुझे क्वेश्चंस मत भेजना, मेरी वेबसाइट पे मेरा ईमेल है, वहाँ आप लोग क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो, और मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी सबको, पर मैं आपके क्वेश्चंस को ध्यान में रखूँगी और उनको इंक्लूड करूँगी जब मैं अपने लेक्चर्स। ओके, तो एंड में मैं यही कहूँगी सब लोगों से कि एक एक डेडिकेशन बनाए रखना और थोड़ा पेशेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ में, चाहे वो मेरे लेक्चर सुनने के लिए कि कब मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, और चाहे वो सेल्फ वाइल्ड लाइफ में ही है, मैं ये भी लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन में ही, जिसमें मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मेरी जर्नी कैसे रही, मतलब मैं कैसे इस फील्ड में आई, और कैसे कैसे मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे क्या करना है, कैसे कैसे हर चीज़ मैं अचीव कर पाई, तो ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगी धीरे धीरे, तो मैंने जस्ट ये स्टार्टिंग की है कि आफ्टर 4 ईयर्स सोचती थी मैं कि करूँ करूँ पर हो नहीं पा रहा था, फाइनली आई डिसाइडेड कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं आई जस्ट हैव टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, तो या ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर।